नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर न्यूज 24 के मेगा शो में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब हम कॉन्क्लेव के दूसरे हिस्से में आपको ले चलते हैं, जहां मोदी सरकार में विपक्ष की भूमिका और राजनीति पर खास चर्चा हो रही है। मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महामंच हमने तैयार किया है। 3 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के और इन 3 सालों का हम लेखा जोखा ले रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ हैं। विपक्ष की ओर से तेज तर्रार देश के INB मिनिस्टर रह चुके मनीष तिवारी हैं और मेरे साथ केसी त्यागी साहब महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। और यहां पर हम सवाल पूछने वाले हैं, अहम सवाल, क्या मोदी को विपक्ष रोक पाएगा? क्या मोदी का मुकाबला कर पाएगा विपक्ष? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा, दरअसल एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है जैसे मानो देश में सफेद घोड़े पर सवार बीजेपी राज्य पर राज्य राज्य पर राज्य जीतती जा रही है। 2 अपवाद, बिहार और दिल्ली, उसके अलावा हर जगह आपका 100% स्ट्राइक रेट चल रहा है। जबकि मनीष, आपकी अगर मैं दुर्गति शब्द इस्तेमाल करूं तो शायद आप अन्यथा नहीं लेंगे, ग्रैंड ओल्ड पार्टी दरअसल बहुत ओल्ड होती दिख रही है। ये आपके लिए, आज आप जाने माने वकील भी हैं, यू हैव टू फाइट अ वेरी वेरी वीक केस टुडे। और हमारे साथ केसी त्यागी साहब हैं और आप, माइक आपके हाथ में है। जब आप आए थे आपने एक शेर पढ़ा था, आपने राजनीति के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं तो वो शेर पढ़ दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। ये क्या हम लोगों पे तो लागू नहीं होता? मैंने चौधरी साहब के सामने जब मैंने प्रवेश किया तो एक शेर पढ़ा था, उन्होंने कहा क्या हाल है। मैंने कहा क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं। तो अब ये आईना, ये महागठबंधन कुछ हो पाएगा या नहीं, आईना बेच पाएंगे या नहीं, ये सवाल भी आगे आने वाला है। लेकिन महेश शर्मा, सवाल सीधा ये, ऐसा क्या है, ऐसा क्या बदला है, ऐसी फिजा क्या बदली, ऐसा जनमानस क्या बदला कि जीत पर जीत, जीत पर जीत, जीत पर जीत? कभी 2014 में आपने ये सपना देखा था कि 2017 में ये सूरत हाल होगा? देखिए, सफलता चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, हर व्यक्ति की सोच होती है, हर पार्टी की सोच होती है, लेकिन उस सफलता के पीछे देश के प्रति, देश के आम आदमी के प्रति, देश के जवान, किसान, गरीब किसान के प्रति कुछ करने का भाव हो। सिर्फ भाग्य के भरोसे अगर जो लोग बैठे रहते हैं कि शायद मेरा भी भाग्य राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, मेरा भी भाग्य शायद चल निकले, आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश समर्पण के साथ और उसके पीछे मेहनत, ईमानदारी से मेहनत, ट्रांसपेरेंसी पर। आपकी 3 बार सरकारें पहले भी रह चुकी हैं डॉक्टर साहब, 1996 में 13 दिन की सरकार, 1998 में 13 महीने की सरकार, 1999 में भी सरकार आपकी बनी, तब क्या वो कार्य क्षमता, वो कार्य निष्ठा, वो मेहनत, वो ईमानदारी नहीं थी? 182 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते थे आप, अधर में लटके रह जाते। हमारा इतिहास बड़ा, आजादी के बाद का मौका मिला हमारी पार्टी को और इतिहास बड़ा गौरवशाली है। 2 सीटों से हम शुरू हुए, 82 पर आए, वही तो पूछ रहा हूँ, वो ट्रैक्शन कैसे पकड़ी, 182 से 342, ये कैसे किया? देखिए, ये समय काल खंड हमारी मान्यताएं कभी नहीं बदली, ईमानदारी का खाली हम चोगा नहीं ओढ़ते थे, ईमानदारी को धरातल पर लाते थे, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो, उसको धरातल पर लाते थे और पारदर्शिता के साथ। मैं समझता हूँ जनता से एक जो रिश्ता बनने का एक कारण होता है। ये तो आप किताबी बातें कर रहे हैं, ये तो किताबी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्या एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर ये है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, हमारी पार्टी को संगठनकर्ता के रूप में अमित शाह जी जैसा अध्यक्ष मिला है और उन्होंने सेनापति बनकर, राम लक्ष्मण की जोड़ी बनकर आज
11 करोड़ 60 लाख कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी करी है जो विश्व के बहुत सारे देशों की जनसंख्या से बड़ी है। आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का हमारा गौरव है और उन कार्यकर्ताओं की अनुशासित फौज के साथ ये हमारा मार्ग, हमारा रास्ता सिर्फ एक जगह ले जाता है, वह है राष्ट्र समर्पण और तो मोदी फैक्टर है। आम आदमी मोदी फैक्टर जी, बिल्कुल इसमें मोदी फैक्टर है, लेकिन मोदी फैक्टर का मतलब सिर्फ किसी भाग्य के भरोसे नहीं कि कोई मोदी नाम का व्यक्ति आएगा और देश को। आज मैंने उनके साथ 3 वर्ष हो गए मुझे मंत्री पद पर काम करते हुए, 16-16, 18-18 घंटे काम, एक एक विषय को। जब ये बात आप बेचते हैं ना बारीक, 16-16, 18-18 घंटे काम, ऐसा लगता है कि मानो इस देश में ये 70 साल की आजाद मुल्क है, कोई काम ही नहीं करता था पहले। देखिए मैं नहीं कहता करते होंगे, उनको करते को देश की जनता ने आईना दिखा दिया, जिन्होंने 16, 20, 24 जितने भी किए होंगे उन्होंने आईना उनको अच्छी तरह दिखा दिया। लेकिन ईमानदारी, पारदर्शिता, 3 वर्षों के शासन में एक मंत्री, एक सांसद पर कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। करोड़ों कोयले के हमारे खदानों की नीलामी करनी थी, पहले जब 1,86,000 करोड़ का घोटाला, मुझे लगता था कुछ गड़बड़ आंकड़ों का। 2004 से 2007 में ये सवाल कुछ गड़बड़, तो मनमोहन सरकार पर भी कोई आरोप नहीं लगे 2007 तक। वो मनमोहन सरकार जी का दबा हुआ चीजें थी जो दबी नहीं। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने निकाल के उनको, और कैग का धन्यवाद जो निकाल के बाहर ले आए। समय उन्हें लग गया होगा, ना जाने किन कारणों से उस वक्त नहीं निकाली होंगी, लेकिन उनकी शुरुआत तब से ही हो गई थी। ये उसका परिणति, रिजल्ट उनका तब आया। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस देश के साथ, देश की जनता के साथ पिछले कुछ समय से धोखा हुआ। आज देश का नेतृत्व एक पॉलिसी क्राइसिस जिसे हम कहते थे, पैरालिसिस, लकवा मारा हुआ था। लकवा, अब तो मैं कहता हूं पैलसी क्राइसिस हो चुका है, पैलसी हो चुकी है। विपक्ष के नाम पे अगर आप किसी को कहें, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जरूरत है। लेकिन आज मुझे लगता है अपने कारणों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से आज विपक्ष पैलसी पैरालिसिस की तरफ जा रहा है। मैं इससे गंभीर आरोप नहीं लग सकता है आप पर मनीष। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब चुनाव में जीत हासिल होती है, आदमी को लगता है कि मेरे साथ जनता है, तो एक अज्ञानता और अहंकार का बहुत उत्कृष्ट सम्मिश्रण बनता है, और वही जनता उस अहंकार को तोड़ भी देती है। मैं आपको थोड़ा अतीत में लेके जाना चाहता हूं। आज जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी मई 2013 तक, 2004 से लेकर मई 2013 तक, जब तक इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं चुना था गोवा में, ऐसा लगता था कि खंड खंड हो जाएगी। तो इसलिए लोकतंत्र में घटना चक्र घूमता रहता है, और आज भी मैं आपको ही बताऊं, ये गलती हमसे हुई। ये जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ, उन 4 राज्यों में अगर गोवा और मणिपुर में हम थोड़े से और चुस्त रहते और वहां पे सरकारें बना लेते, तो आज ये जो एक माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, वो माहौल नहीं बनता। तो इसलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनकी जीत हुई है, उत्तराखंड में जीत हुई है, लोगों ने इनको जनसमर्थन दिया है, पर उसी जनता ने इनको पंजाब में हराया भी है। हरियाणा में जीत हुई, महाराष्ट्र में जीत हुई, उसी जनता, झारखंड में जीत हुई, असम में जीत हुई। मैं इन चुनावों की बात कर रहा हूं, 2014 से मैं 2014 अगर आपको गिनाना शुरू करो, उस असम में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उस महाराष्ट्र में 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार थी। तो इसलिए लोकतंत्र में घटना चक्र घूमता रहता है, और कभी कभी ये विपक्ष के लिए अच्छा ही होता है अगर सत्ता पक्ष पर सत्ता के गुरूर में इतना अहंकारी हो जाए। क्या आपने आत्ममंथन भी किया है? 2014 से बदतर आपकी सिचुएशन होती जा रही है। कॉस्मेटिक चेंजेस कि 2 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, 2 राज्यों के प्रभारी बदल दिए, उसके अलावा क्या किया? ये कॉस्मेटिक चेंजेस का वक्त है या सर्जरी का वक्त है कांग्रेस में? कि ऐसा है कि राजनीतिक दल अपने मूलभूत सिद्धांत नहीं बदलते, और कांग्रेस का मूलभूत सिद्धांत यह है जो हमारी भारत की एक कल्पना है, और उस कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
कभी उसमें आपके उतार चढ़ाव आते हैं, कभी विजय होती है, कभी आपको हार का मुंह देखना पड़ता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने मूलभूत सिद्धांतों से पीछे हट जाएं। पर जहां तक रही बदलाव की बात, ये फेर बदल संगठनों में चलते रहते, ये फेर बदल तो देशवासियों को ये नहीं पता कि अध्यक्ष कौन है। तबियत नासाज है सोनिया गांधी जी की, वो पूरे कंट्रोल में है, राहुल गांधी कब कंट्रोल में आएंगे, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। देखिए, यथार्थ ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के जो संगठनात्मक मामले हैं उनमें पूरी तरह से जल्द निकट भविष्य में राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि निकट भविष्य में क्या होगा, मैं कोई यही तो क्लैरिटी नहीं है कांग्रेस की। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं और मैं वो भविष्यवाणी नहीं करने वाला, पर आपने आज का पूछा है और आज का यथार्थ ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है। राहुल गांधी कब बनेंगे अध्यक्ष? अब राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी तो वो अध्यक्ष हो जाएंगे। आपने संस्कारों की बात की, कांग्रेस की एक पद्धति की बात की, मैं असम का जिक्र कर रहा था, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करिए, उत्तर प्रदेश के ताजा अभी चुनाव हुए, वहां पर रीता बहुगुणा जोशी आपकी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड में तो आपकी आधी पार्टी ही बीजेपी में जाकर शामिल हो गई। सबका आरोप ये कि आलाकमान और खास राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा था कि हमसे हमारी बात सुनते नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, एक कोटरी चल रही है, बस वही पार्टी चला रही है। देखिए, ऐसा है कि मुझे उतना तजुर्बा तो नहीं है जितना केसी त्यागी साहब को है, पर मैंने भी कई दौर देखे हैं राजनीति के, और जब कभी कभी किसी का कोई चढ़ रहा होता है तो काफी ऐसे अवसरवादी लोग हैं जो फिसल जाते हैं, तो ये राजनीति में चलता रहता है, लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। मैं इतने लोगों का नाम गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो इसलिए ये जो राजनीति का घटना पलायन हो रहा है, पलायन नहीं हो रहा है, कुछ लोग जो जाना चाहते हैं है क्या कांग्रेस? ऐसा है ना कांग्रेस डूबती नैया है ना पलायन हो रहा है, पर हाँ कुछ लोगों को जो लगता है कि भाई उनका जो इमीडिएट लक्ष्य है मंत्री बनने का, कहीं पे सरकार में आने का, अगर वो पूरा होता है कहीं जाके तो लोग जरूर जाते हैं। तीना फैक्टर है क्या? देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी। आपका अल्टरनेटिव कौन है? सोनिया है कि राहुल है मोदी का अल्टरनेटिव? देखिए, ऐसा है कि हम आज 2017 में है, लोकसभा का चुनाव 2019 मई में है। रुक जाओ ना, काउंटडाउन आपका काउंटडाउन तो उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन नई सरकार बनती है, पर जो पॉलिटिकल कैलेंडर है उस हिसाब से नहीं चलता। अगले साल जब इस समय हम बात करेंगे, आप देखिएगा इस देश का जो राजनीतिक परिपेक्ष है, इस देश का जो राजनीतिक चित्र है वो बदला होगा। वो देखिए।